इंडिया के संकल्प के इस बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में आप सभी न्यू इकोनॉमी, न्यू रूल्स पर मंथन करने के लिए यहां जुटे हुए हैं। सवाल ये कि ये नया क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स भी डेली छपता है, पेपर की क्वालिटी भी रोज वही होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी रोज वही होती है, बैनर पर आप जो लोग जो अखबार का नाम लिखते हैं उसका फॉन्ट और स्टाइल सब वही होता है। फिर भी हम कहते हैं हर रोज नया अखबार निकलता है। और फर्क होता है अखबार के कंटेंट का, और इसी कंटेंट के आधार पर आप लोग कहते हैं ये ताजा खबर है, ये नई खबर है। साथियों, अगले कुछ महीनों में हमारी सरकार 4 वर्ष पूरे करने जा रही है। देश वही है, लोग वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, लेकिन फिर भी एक बदलाव देश विदेश में स्पष्ट नजर आ रहा है। देश के आर्थिक और सामाजिक कंटेंट में आए इस बदलाव में ही न्यू इंडिया, न्यू इकोनॉमी के न्यू रूल्स निहित है। आपको ध्यान होगा 4 साल पहले पूरी दुनिया में जब भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा होती थी तो कहा जाता था फ्रेजाइल 5। दुनिया हम पर हंसती थी और हंस करके कहती थी कि ये खुद भी डूबेगा और हमें भी डुबो देगा। वो दिन थे। आज फ्रेजाइल 5 की नहीं, भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की चर्चा हो रही है। अब दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहती है। साथियों, भारत का विकास पूरे विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती दी है। वर्ल्ड जीडीपी में अगर हम नॉमिनल टर्म में डेटा को देखें तो बड़े रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के आंकड़ों के अनुसार 2013 के अंत में भारत का वर्ल्ड जीडीपी में नॉमिनल टर्म में कंट्रीब्यूशन 2.4% था। हमारी सरकार के लगभग 4 वर्षों में ये बढ़कर 3.1% हो गया है। विश्व अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा पाने में अब समझ आएगा, जिस अर्थव्यवस्था को पाने में 8 साल लगे थे वो हमारी सरकार ने 4 साल में करके दिखाया है। इससे भी बड़ा चौंकाने वाला तथ्य IMF के डेटा से निकल करके आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में नॉमिनल टर्म में जो पिछले 4 वर्षों में वृद्धि हुई है उसका 21% भारत में हुई वृद्धि के कारण है।
अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश जो वर्ल्ड जीडीपी का केवल 3% है, वो 7 गुना ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर देख लीजिए, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, इंटरेस्ट रेट हो, एफडीआई इनफ्लो हो, भारत सभी में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। देश में ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि देश अब एक नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने सामर्थ्य, अपने संसाधन पर भरोसा करके न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्ष में देश के इकोनॉमिक वर्ल्ड ने एक नई चीज सीखी है और वो है कॉम्पिटिटिवनेस। जब आगे बढ़ने की होड़ नहीं होगी, जब एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, तो फिर न स्पीड आएगी और न ही ऊंचे हॉरिजॉन्स पर जाकर के हम सोच पाएंगे। साथियों, आज भारत की इस कॉम्पिटिटिवनेस, इसको पूरी दुनिया वैलिडेट कर रही है, सैल्यूट कर रही है। भारत में गुड गवर्नेंस के निरंतर प्रयास, भारत में वैश्विक मानदंडों को पाने वाली नीतियों और कार्यक्रम, विश्व के साथ आर्थिक और व्यापारिक भागीदारी के संबंध में व्यापक सहमति के प्रयास, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के केंद्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता, ये सारी बातें पूरे विश्व को समझ आ रही है, भारत की ओर आकर्षित कर रही है।